हाय एवरीवन वेलकम टू पीडब्ल्यू डब्ल्यू ऑनली आई एस मेरा नाम सुब्रत है उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्जामिनेशन हमारे बहुत पास है अब आप सभी को अपने अंदर विश्वास लाना होगा अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहना होगा और अपने ऊपर इस चीज़ का विश्वास करना होगा कि ये एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हैं ठीक है सो so, नई चीज़ें पढ़ने की बजाय अपने रिविजन को और ज़्यादा सॉलिड करिए और अच्छे से गो थ्रू होइए जो भी आप पढ़ चुके हैं सी सेट का जो पेपर टू है उसमें भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप बहुत आसानी से प्रोल्यूम्स क्रैक कर लेंगे आज इस वीडियो में मैं पिछले आठ साल के पेपर्स को डिस्कस करूंगा और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस प्रकार डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शंस के हैं कहाँ से करंट में ज़्यादा फोकस किया जाता है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यह है कि बच्चे और ज्यादा फोकस्ड हो सके और वो इस बात को समझ सके यूपीएससी की एक्चुअली में डिमांड क्या आइए चलिए हम वन बाय वन इन डिफरेंट टॉपिक्स को देखते हैं। नाउ सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स का एनालिसिस कि हमारे प्रिलिम्स के पेपर में कितने पोर्शन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर लेते अब यहां पर देखिए आप सबको पता है कि कोई भी टॉपिक है चाहे वो पॉलिटी हो गया इकॉनमी हो गया ज्योग्राफी हो गया वहां पे दोनों पोर्शन हैं, स्टैटिक पोर्शन है और हमारा करंट का पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा है और जो करंट है वो हमको ये बता रहा है कि कहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन राइज हो सकते आप देख सकते हैं कि पिछले आठ सालों में मोर और लेस ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं पिछले आठ सालों में आप ये कह सकते हैं कि मोर और लेस हर बार एटलीस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे गए हैं चाहे वो दो हजार पंद्रह में हो दो हजार सोलह में जो पेपर थोड़ा सा अचानक से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था इसमें फोर्टी टू क्वेश्चन पूछ लिए गए थे बट उसके बाद आप देख सकते हैं हर साल ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑन एन एवरेज करंट अफेयर से पूछे गए तो आपको पता है कि क्लोज टू वन बाई फोर्थ यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर प्रम्स पेपर वन करंट से आना ही है तो अपनी फोकस आप तैयारी रखिए करंट आपका अपडेटेड होना चाहिए जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे जितना ज्यादा बार आप उसको गो थ्रू होंगे उतना ही बेटर होगा उन फैक्ट्स उन स्कीम और उन डेटा को रिकॉल कर पाना हमारे एग्जामिनेशन के दिन अगला आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जहां पर करीब करीब करंट पूरी ही तरीके से गायब है जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल हैं चाहे वो 15 से लेकर के 22 में आप देख लीजिए तो आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब भी हमको प्रिपेयर करना है हमारा जो सोल फोकस होना चाहिए हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में होना चाहिए ठीक है अब आप अगला देखिए नेक्स्ट इज एंड आर्ट एंड कल्चर यहां पे भी हमने मोर और लेस ये देखा है कि यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्चुअल स्टैटिक पार्ट पे ही फोकस करता है बट 2017 में और 2021 में हमने ये देखा कि एक बार मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है विच मीन करंट से कोई इवेंट था वहां से उन्होंने कोई कॉन्सेप्चुअल

अब ज्योग्राफी देखिए बहुत ज्यादा मिक्स हमको दिखाई देता है जहां पे हमने देखा है कि करंट इज आस्ट एवरी टाइम विद कॉन्सेप्चुअल इन स्टेटिक पोर्शन अब रीजन ये है अब रीजन ये है ऐसा करने का बिकॉज ज्योग्राफी में फिनोमिनाज के साथ हमको मैपिंग का पोर्शन भी रहता है और मैपिंग का पोर्शन मोर और लेस आपको करंट से ही आएगा कोई इशू चल रहा है कोई आइलैंड्स न्यूज में है कोई फॉरेस्ट न्यूज़ में है कोई वेटलैंड्स न्यूज में है तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है जहां पे आपको ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स से न्यूज पढ़ करके अपने आप को अपडेटेड रखते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट प्लेसेस इन द न्यूज़ डिफरेंट ट्रीटीज इन द न्यूज़ और कोई भी ऐसा करंट uh, अफेयर का इशू जो कि आप जोग्राफी या मैपिंग से रिलेट कर सके ना इसके बाद अगर आप पॉलिटी को देखेंगे पॉलिटी में जहां तक है पॉलिटी मेंंट एंडर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पॉलिटी तो में, में।, में हम एक और चीज ये भी देखते हैं कि पॉलिटी ऑब्वियसली uh, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है सो मैनी टाइम्स यूपीएससी क्या ट्राई करता है कि वो करंट से कोई इवेंट अगर चल रहा है जन लोकपाल बिल हो गया अमेंडमेंट एक्ट हो गया या फिर ऐसे ही कोई प्रोविजन है जो इस समय न्यूज में चल रहे हो उनसे कनेक्ट करके उनसे लिंक करके आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है सो दैट इज वाई जब आप पॉलिटिकली प्रिपेयर कर रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए सो so दैट कि आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा टारगेटेड कर सको और आप इधर उधर ना भटको है ना आपका टाइम ना बर्बाद हो और अपने फोकस को प्रुलिम्स की तरफ रखो फोकस को वहां पर रखो जिससे कि आपका प्रुलिम्स क्रैक हो सके नेक्स्ट इकोनॉमिक्स सो इकोनॉमिक्स तो देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ करेंट uh, अफेयर्स पूछा ही जाएगा नाउ लेट्स लुक एट इकोनॉमिक्स अब देखिए इकोनॉमिक्स में हमेशा कॉन्सेप्चुअल के साथ करंट वाला पार्ट रहेगा ही रीजन बीइंग फिर से इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज रिलेटेबल कि भाई हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या चल रहे हैं कैसी सिचुएशंस हैं ठीक है ना और साथ में इकोनॉमिक्स को आप दूसरी चीजों के साथ भी रिलेट कर सकते हैं हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चल रही है ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर कैसा है मानसून कैसा है सो इकोनॉमिक्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड विद दी करंट दैट इज बाय आप यहां पर क्या देखते हैं कि स्टेटिक और करंट का मिक्स हरी साल पूछा गया है ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर इकोनॉमिक्स में आप ये देखें कि सिर्फ उन्होंने स्टैटिक पूछे हैं हाँ लेकिन वो थोड़ा सा स्टैटिक के पोर्शन को ज्यादा रखते हैं आप देख सकते हैं कि स्टैटिक में ऑन एन एवरेज टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार टेन सिक्स सेवन ट्वेल्व थर्टी एंड टाइम बट साथ में उन्होंने करंट को भी रखा है और इन बिटवीन वो कभी कभी मिक्स को भी रखते हैं सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एन फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट योर कॉन्सेप्ट विथ वट एवर इज रनिंग इन द न्यूज है ना चाहे वो बैड बैंक हो जाए चाहे वो एनपीएस हो जाए चाहे वो बिट कॉइन हो जाए या और भी ग्लोबल रिसेशन है उन सब चीजों का आपका कनेक्ट रहना चाहिए ना अगर हम इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर की बात करें यहां पर भी आप देखते हो कि स्टेटिक एंड करंट का मिक्स हमको दिखाई देता है रीजन बहुत सिंपल है बिकॉज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या प्रोग्रेस हो रही है क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वेदर दे आर डिग्रेडेशन कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस आ चुकी है या फिर हमने कोई नए इन्वायरमेंटल लॉज या ट्रीटी साइन किए हैं या ऑलरेडी कोई साइन ट्रीटी है उसमें को रिलेटेड कोई अपडेट्स आ चुके हैं ठीक है सो so यहां पर भी हमको कॉन्सेप्चुअल स्टेटिक पार्ट के साथ करंट को भी प्रिपेयर करना है आप देख सकते हैं चाहे वो पिछले आठ साल में आप देखिए एग्रीकल्चर दोनों में स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल के साथ करंट भी पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन फिर से यहां पर भी वही फोकस रहता है वाई बिकॉज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगातार न्यू डेवलपमेंट्स होते रहते हैं नए कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं नई डिस्कवरीज नए इन्वेंशन होते रहते हैं दैट इज बाय हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहने चाहिए रीजन बींग यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरेटिकल स्टेटिक पार्ट पूछा गया है साथ ही साथ करंट और कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं तो आप देख सकते हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी के बीच में स्टेटिक इज मोर और लेस बदला नहीं है पिछले चार सालों में दस 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 और बारह क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोर और लेस वहीं पर करंट के भी उतने ही क्वेश्चंस रहे हैं। सो रिगार्डिंग वेन यू आर प्रिपेयरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस के आपके बहुत क्लियर होने चाहिए लेकिन साथ ही साथ आपको करंट पे भी नजर रखनी है क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो ईवी से रिलेटेड हो या वो कहते हैं सेटेलाइट से रिलेटेड हो या 5G टेक्नोलॉजी हो या और कोई टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इन सब पे आपकी नजर रहनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रहे नाउ रिगार्डिंग स्कीम्स अब देखिए स्कीम्स में तो आपको ज्यादातर फोकस यहां पर ही करना है कि क्या करंट में चल रहा है रीजन बींग बिकॉज दे आर लॉट ऑफ स्कीम्स विच आर एक्चुअली रनिंग एट द सेम टाइम और बहुत सारी स्कीम्स न्यू लॉन्च की जाती और बहुत सारी स्कीम्स को डिसकंटिन्यू भी किया जाता है तो जब भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं हमारा फोकस हमेशा ये रहना ही चाहिए कि कहां पर रिसेंटली न्यूज में कोई नई स्कीम न्यूज में है कोई नए डेवलपमेंट हुए हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में हमने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर एग्जांपल आप देखिए 2015 में करंट और मिक्स से पूछा गया है स्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं है 2016 में भी कोई स्टैटिक या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है सिर्फ 2017 और 18 में हम दो दो क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल के उसके अलावा सारे ही क्वेश्चन करंट से पूछे गए हैं रीजन बीइंग बहुत सारी स्कीम्स हैं इतनी सारी स्कीम्स को याद करना आना भी डिफिकल्ट होता है दैट इज बाय आप सभी एस्पिरेंट्स कोशिश करिए कि उन्हीं स्कीम्स पर आपका फोकस रहे जो रिसेंटली न्यूज में थी जिनमें कोई नए डेवलपमेंट किए गए विद डैट देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन रिपोर्ट्स एंड मिसलेनियस सो इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्बियसली जैसे हम इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करते हैं या इंडिया का और किसी देश के साथ रिलेशन की बात करते हैं दे की पॉन चेंजिंग अगेन यहां पर भी आप देखेंगे कि करंट इवेंट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई आज हमारा कैसा रिलेशन है उन कंट्रीज के साथ जैसे कि आप देखिए 2015 में स्टैटिक स्टेटिक कॉन्सेप्शन पूछा गया था फाइव uh, बट तब भी करेंट का ज्यादा वेटेज था दैट ऑफ उसके बाद आप देखिए स्टेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है सारा वेटेज या तो आपका करेंट पे है या थोड़ा बहुत आपका मिक्स पे है तो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं कोई नई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कोई नई रैंकिंग देख रहे हैं कोई नई इंडाइसिस देख रहे हैं दे नीड टू बी अपडेटेड विद द रिसेंट डेटा ओके गाइस सो Uh, अपनी तैयारी को बहुत फोकस्ड रखिए आपको टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका फोकस ज्यादा हो कहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के चलें और कहाँ पे आप ज़्यादा अपडेटेड रहें जो भी न्यूज या करंट अफेयर्स चल रहा है मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी याद रखिए आप कुछ नया पढ़ने की बजाय आप लगातार रिविजन करिए खुद पर विश्वास रखिए इट इज एन एग्जामिनेशन विच ऑल ऑफ यू कैन क्रैक बेस्ट ऑफ लक